वो दौड़ने बसाला उरा खेड़ा बन जाता, खेड़ा बांध के इनके पैर नहीं टिके, ये वापसी सेते बिक गए, मात्रा था बहुत ज्यादा, ये पुठे बिक गए जो फिर हमने जैसे पाई तो ठेक है इन्हें पाई तो ले आया मार थे ऊपर को बसाए हैं और क्या कहानी सुनाऊं, आए थे और हम सागे भी थे सिर देता है वह तो बिक गए थे, फिर जो बसाना चाहती खेड़े को खेड़ा बांधना चाहती और पाई कहती हम बांध लागे सिर दे आगे बसे थे कुछ दिन कुछ कर राजनवाड़ा राजपूत आके तो बातें कर दौड़ता है फिर पाई तो ले आए थे। ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों को सुचित ढुल की ओर से नमस्कार। आज हम गांव फरियाबाद में खड़े हैं। इस गांव में मेरे अपने ढुल परिवार के लोग रहते हैं, तो आइए जानेंगे कि इस गांव के बुजुर्ग कहां से आए थे यहां पर गांव बसाने के लिए। वो पाई से आए थे, सेरदा से आए थे, बरसिकरी से आए थे या फिर कहीं और से आए थे। आज हम इस गाँव की जानकारी आप सबके साथ साझा करेंगे। जींद कुरुक्षेत्र रोड पर बसा गांव फरियाबाद, जिसकी राजवन से दूरी लगभग 5 किलोमीटर और पाई से दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। खेल और खलिहान गांवों की अपनी पहचान है। गांव में प्रवेश करने से पहले बना गौरव पट इस गांव की विशेषताएं, व्यवस्थाएं और खूबियों को दर्शाता है। इस गांव को गांव पाई का ही एक अंग कह सकते हैं, तो जानिए कि इस गांव को गांव पाई से आकर लोगों ने कैसे बसाया। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ताऊ जी, आप गांव के सरपंच हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपसे पहले गाँव के सरपंच कौन कौन रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका गाँव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे गाँव की जानकारी के बारे में पूछने के लिए यहाँ पहुँचे। हमारे गांव में सबसे पहले सरपंच जी हमारे ताऊ जी थे, सुंदरलाल जी, उसके बाद बाबा सपट्टर जी थे, उसके बाद जी भुल्ला राम जी थे, उसके बाद जी बर्थुराम जी थे जो मेरे पिताजी थे, उसके बाद राधा राम जी थे जो हमारे बाबा जी लगे हुए अभी, और उसके बाद में भल्ले राम जी थे जो हमारे चाचा लगे थे, उसके बाद में रूपा राम जी थे जो ये तो पहले सरस्वती से बने हुए थे, उसके बाद में फिर हमारा बनिया जी दिलबाग सरपंच चुनाव था उसका, उसके बाद में हमारा वाल्मीकि बनिया जी एक भोबल सरपंच हो गए ओरिजिनल वाल्मीकि का में, तो उसके बाद जी सरपंच फिर उसके बाद हाँ सूरजभान टैणी बना था, वो भी इलेक्शन से बना था, उसके बाद सरपंच आपे बने थे सरस्वती से बने थे। गाँव में सारे खाप ने हमारा साथ दिया था और खाप के सभी आदमी आए थे उसमें, उन्हें खाप का बड़ा धन्यवाद करा जो हमारे गांव में सरस्वती मौके पर करके गए थे। ताऊ जी, गांव की टोटल पॉपुलेशन कितनी है और गांव में वोट कितने हैं? गांव की पॉपुलेशन तकरीबन 3300 करीब है जी, और वोट जी 1000 का करीब लग रहे हैं, तो कुछ 5-10 कम ज़्यादा होंगे, बस कम ही है, ज़्यादा तो है नहीं। हाँ जी, यही है। गाँव में शिक्षा की क्या क्या सुविधा है? गाँव में, इस गाँव में जो स्कूल है वो कब बना था और कहाँ तक का है वो स्कूल? गाँव में जी हमारा स्कूल तकरीबन 1965 में बना था, और उससे उस टाइम में प्राइमरी स्कूल हमारा, और प्राइमरी स्कूल आज तक चल रहा। हमने सरपंच बनते बल्कि हमने एक काम कराया था, जितने भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे थे हमने सारे अपने सरकारी स्कूल में लगाए थे, और स्कूल में हर फैसिलिटी थी, पानी तय, बिजली तय, पंखा तय, इन्वेटर तय, पेड़ पौधे, मतलब हमने प्राइवेट मैडम लगाई, और जी हमने सरकार से कई बार चंडीगढ़ गए, बड़ी गुहार करी, मतलब इसमें कोई मात्र कोई मास्टर नहीं मिला, और जी कोई अगर मास्टर मिलता हमारा स्कूल सुचारू रूप से चलाना था, तो प्राइवेट मैडमा का सिस्टम फिर ऐसा हुआ, मतलब साल 1.5 साल के बाद कुछ गांव का सहयोग कम होया उसमें, तो जी फिर वो अब प्राइमरी स्कूल है, ये भी वही 40-50 बच्चे अब भी हैं, हमने उस टाइम में 140 बच्चे स्कूल में तैयार कर दिए थे। सरकार की तरफ से मतलब कोई हमारे पर सहायता नहीं मिली, कोई स्कूल में उसमें मास्टर नहीं भेजे, मास्टर ना भेजने करके सरकार की नीति बढ़िया नहीं लगी, उस करके हमारा स्कूल में कोई सिस्टम नहीं बनाया, मैडम का थोड़ा सिस्टम था, फिर वो ज़्यादा चलिया नहीं। सर, गाँव में बच्चों के पढ़ने और खेलने के लिए क्या व्यवस्था है? देखो जी, यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी टीचर अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, गांव ने अपने बच्चे जो बाहर जा रहे थे प्राइवेट स्कूलों में सारे हटा के यहाँ पर लगाए, पर भी सरकार की तरफ से कोई भी टीचर नहीं आ रहा,
और दूसरा बच्चे दोबारा से फिर बाहर प्राइवेट स्कूलों में जाने लग गए हैं। और तो देखो इससे फालतू जब मास्टर ही नहीं आएंगे तो बच्चे क्या करेंगे वहाँ बैठ के। एक देखो यहाँ पर टीचर की तो मेन समस्या है जी। दूसरा एक यहाँ लाइब्रेरी आई थी वो ऐसी अधूरी पड़ी है, उसमें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, ना ही बनाने वाला, ना ही कोई ये देख रहा भाई ये बनी है नहीं बनी है, जो भी है वह अधूरी पड़ी है। प्राइमरी स्कूल के सामने बिल्कुल बहुत बड़ा मैदान है, उस पर लोग अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं, और वो खेल का मैदान अच्छा बन सकता है, उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए बच्चों को मोबाइल से दूर हो जाएंगे अगर वो खेल का मैदान बन जाए तो। बाबा जी अपना जो गांव है वो कब बसा था और किसने बसाया था? ओ सिद्धा ने बसा था बेटी, फिर मुन्ना रांगड़ा तंग कर दिए, तंग करे हुए फिर हमने लाए थे पाई दे दो टाप बनाए, एक से त्यांगा एक डोलांगा। अच्छा उड़ा रांगड़ा तंग कर दिए, जो आने को उड़ा हमने डेरा बांधा था, राजपूत होते नून मुसलमान हो कर दे 200 साल का लोग होंगे काम बसिन तो उनता था। जब पाचे खेड़ा बन गया बन गया फिर तो गांव की बद्दी बद्दी रही, तो ये खेड़ा बांध के सिर चले थे छोड़ के थे इन्हें रंगड़न तंग कर दिए थे राजन दादा ने मंडू गालिया ने। अच्छा फिर अपनी महेश बैठी थी गाय आई थी 2000 महेश थी जाड़ गए थे उड़ान के खुला बाड़ा छोड़ के जू फिर दादा कोल उगा था भाई लाइसेंस भी घोड़ी चढ़ कर मंडोली भी बोला सुननी बैठी है भाई जिसका जी करे डांगर खोल लो चोरी करनी है, कोई नहीं आया मार दो कदे चोरी नहीं हुई। फिर भाई जित बच्चे इन्हें पाई तो लिया मार थे ऊपर को बसाए हैं और क्या कहानी सुनाऊँ, आए थे और हम सागे भी थे सिर दादा है वो तो बिक गए थे। फिर अब्बा जी अपना जो गाँव है वो कब बसा था, किसने बसाया था और यहाँ पे कौन कौन से परिवार रहते हैं? परिवार तो बेटा यू डोड़ा का गांव है बेटा, और यू शुरू में बसा था यू पलराव जोंद बसाना चाहती खेड़े को, खेड़ा बांधना चाहती, और पाई कहते हम बांध देंगे सिद्धा दाग बसे थे कुछ दिन कुछ कर राजनवाला राजपूत आके तो बातें कर दे उड़ता है। फिर पाई तो ले आए थे चित्तू के पाँच बेटे अमिया पट्टी के आए थे और लंबरदार आए थे गोली लंबरदार हरी सिंह लंबरदार वहाँ उनका परिवार आया था। वो कई बार आते रहे जाते रहे राजपूतों को रहने नहीं देते, फिर कई बार सिस्टम चलता है फिर पाई तो ले उसके चित्तू के पांच छोरे उन्हें फिर ढोल के नाम से उनका परिवार बसता है और ढोल पट्टी ने फिर इसका निकले राजपूतों झगड़ा झगड़ा झुगड़ा करके लाठा लूठा बजाएगा बनाई खेड़ा बन जाए पुराने का गांव बसाया। फिर उन्हें गांव को बसे कितने साल हो चुके हैं भाई? कितने साल हो गए भाई नहीं तुम्हें पता कितने साल हो गए होंगे? 200 साल तो 200 साल तो ज़्यादा हो गए होंगे भाई। सर अपने गांव में जो है रोजगार के साधन कितने हैं, क्या क्या साधन हैं और गांव में एवन क्लास अधिकारी कितने हैं, गवर्नमेंट जॉब पे कितने हैं? ऐसे है अपना गाँव मेन खेती बाड़ी पर निर्भर है। दूसरी बात इसके अंदर काफ़ी मतलब सर्विस में हैं आर्मी पुलिस और मतलब टीचर वगैरह हैं और छोटी मोटी सर्विस जो भी है मतलब वैसे जॉब के काफ़ी साधन हैं और मैन है खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। बाकी दूसरी बात ग्रेड वन ऑफिसर कोई नहीं है, मतलब छोटे हैं सभी जॉब के साधन थोड़े और जॉब के साधन मतलब कमी है इतने ज़्यादा नहीं है।